আপনি দুজনের মাথা হাত রেখে দাঁড়ান একটু, একটা ডান দিকে একটা বাম দিকে, দুটোই জোয়ান ছেলে, দুটো জোয়ান ছেলে দুজন মাথায় হাত রাখে আপনি দাঁড়ান, একটু মাথায় হাত রেখে আপনি দাঁড়ান। নয়া খুন নয়া জোশ, সাথ মে হ্যায় কুনাল ঘোষ, কুনাল ঘোষ। দোস্তো, আজ মনোরঞ্জন লাল তৃণমূল কংগ্রেস কে জেনারেল সেক্রেটারি আর হমারে তর্জমান শ্রী কুরান জি কা মে বহুত বহুত অভিনন্দন করতা হুঁ। কুরান বসু, হ্যাঁ একদম একটা বলা বসু, পাঁচটা মিনিট আপনার স্টেশন মাঝখানে দুজনের সাইডে ওনারা আপনি এখানে আসুন, আয়ান তুমি এদিকে বসে, সচিন তুমি বসে সামনে সাইডে বসতে, আমরা সবচেয়ে পহলে হটা দো হটা দো। মে সচিন সিং সে কহুঙ্গা কে হমারে আজকে হমারে লিডার হমারে মেহমান শ্রী কুনাল ঘোষ জি কো ফুল কা বুকে দো, ফুল কা বুকে দো, উত্তরিয়ে ফুল কা বুকে দো। সচিন সিং জোরদার তালিয়ো সে কুনাল দা কা স্বাগত করে, সচিন সিং নে ফুল কা বুকে দো। সন্তোষ সন্তোষ আয়ান চক্রবর্তী, তো আপনার সামনে চাই তোরা পিছিয়ে যা, তো ভাস্কর তুমি উপরে এসো, ভাস্কর তুমি উপরে এসো, জোরদার চালিয়া ফুলে কাছে সন্তোষ করলো। রামবাবু তুই যা সন্তোষ, রামবাবু কোথায়, রামবাবু রামবাবু কোথায়, আপনি থোড়া পিছিয়ে হারিয়া থোড়া পিছিয়ে আছে থোড়া পিছিয়ে ভাস্কর এদিকে, না জমি হতে সাথ সাথ সে কহুঙ্গা যে আপনি বাতো রে খতে দিও, মে কুরান দা কো দিউঙ্গা আলবিদা কে আর জাতি যে কয়ে আপা থোড়া পিছিয়ে আছে নিজে আগে রয়ে সব পিছিয়ে যাইয়ে বেড়াই মেহরবানি সব পিছিয়ে যাইয়ে থোড়া পিছিয়ে দিয়ে আজকে কোরাইনা এই রাজা বলিয়ার তবুও কাছে কাজ করতে না তো একটু চলে যান না ভাইয়া, ঘোড়া পিছে দাদা একটু থোড়া পিছিয়ে হারিয়া থোড়া পিছিয়ে হারিয়া আপনার পিছিয়ে হারিয়া উত্তরীয় কুনাল দাকে অফুলকে মুখে সাজানি ভাই আপ আপনি থোড়া পিছিয়ে দিয়ে থোড়া পিছিয়ে দিয়ে থোড়া পিছিয়ে দিয়ে দাদা 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 ফ্রেমে করছে আমার একটু দেখে সাজালে ভাই মারা ফেলে আরে মিডিয়া চোরা করছে তুমি ডিস্টার্ব করছো তো বাস মানে আগে আপনি বতা দিয়ে স্টেজ কে থোড়া খালি কর দে জরা সা জরা সা স্টেজ খালি করে তেনা ওখানে লাগো
सचिन को बड़ा माला पेश किया जा रहा है, सचिन सिंह को। छोटे तुम भी हाथ लगा हुआ दादा, मीडिया छाड़ा बाकी सब पीछे ने चले जान दादा, बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ दादा, मीडिया छाड़ा तारपुरे अपनी बातों को रखेंगे, उसके बाद कुणाल दा को जल्द से जल्द छोड़ना है। तमाम लोग स्टेज से नीचे आए। बड़ा मेहरबानी, बड़ा मेहरबानी, चलो सब तमाम लोग स्टेज से उतरे। आप लोग जरा शांति बनाए रखिए, कुछ बातें हो रही है हमारे कैंडिडेट के मुताबिक, उसको सुनना जरूरी है आप लोगों को। हमारे दरमियान मगरबी बंगाल का दर्शन करा, ये बहुत जबरदस्त तरीके से रोशनी दिखी रहा है पूरे मगरबी बंगाल में। कुणाल जी हमारे दरमियान के हाथ तशरीफ लाए हुए हैं। 28वां वार्ड से तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट अयान चक्रवर्ती साहब यहाँ तशरीफ लाए हैं, कलकत्ता हाईकोर्ट के वकील साहब। और हमारे स्टेज से जरा मेहरबानी करके उतर जाए। 36वां वार्ड के सचिन सिंह हमारे दरमियान मौजूद है। हम इन्हीं के लिए तो ये महफिल को सजाया है। हम तमाम वार्ड वाले लोग, तमाम के तमाम लोग किसके लिए? तृणमूल कांग्रेस के लिए, ममता बनर्जी के लिए और अपने तमाम कैंडिडेट के लिए। और हमने कहा कि अभी मगरबी बंगाल का रोशन चिराग कुणाल रोज हमारे दरमियान यहाँ मौजूद है। अब इससे बड़ी बात, इससे बड़ी महफिल और क्या हो सकती है कि ममता बनर्जी की जगह पर कुणाल रोज यहाँ मौजूद है। आप लोग जोरदार तरीके से एक बार इनका स्वागत कीजिए, कुणाल घोष जी का। आने वाला 19 तारीख की बात मैं कर रहा था, हमें उस तारीख उसके बारे में बात कर रहा था जो अधेरा हमारे सामने मौजूद है। उसका मुकाबला हम कैसे करेंगे? उसका मुकाबला बहुत आसान तरीके से करेंगे। एक छोटी सी बात कहते मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ कि मगरबी बंगाल ही नहीं बल्कि धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में जिसका हाथ मजबूत हो रहा है, जिसकी गिरफ्त मजबूत हो रही है, जो आगे बढ़ता चला जा रहा है, वो है ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी के साथ देने के लिए एक तरफ अयान चक्रवर्ती है, एक तरफ सचिन सिंह है, दूसरी तरफ इकबाल है, उधर साधना बोस है और उसके बाद उधर सोमा मोहतरमा है। आइए इन सबों के हाथ को मजबूत करने के लिए मैं अपनी बात यही खत्म करता हूँ। बस एक बात कहके कि जहाँ जहाँ तृणमूल कांग्रेस का निशान हो, जहाँ जहाँ जिस जगह, चाहे एक नंबर में हो, चाहे दो नंबर में हो, चाहे तीन नंबर में हो, और 36वां वार्ड में 4 नंबर पर तृणमूल कांग्रेस का निशान है, सचिन सिंह का निशान है और और 28वां वार्ड से अयान चक्रवर्ती साहब खड़े हुए हैं, जिनका निशान 2 नंबर पे आपको मिलेगा, आप 2 नंबर पर वोट देंगे। और इधर सचिन सिंह यहाँ मौजूद है, आप 4 नंबर पर इसको वोट देंगे। 2-4 आप देख लीजिए कितना बेहतरीन है ये व्यापार। 2 नंबर पर दीजिए, 2 नंबर से आगे बढ़कर 4 नंबर पर दीजिए। आइए साहब, मैं अपनी बात यही खत्म कर रहा हूँ एक बात के साथ कि क्या करूंगा, फिर उसी बात को मैं दोहराना चाहूंगा आप सबों के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमें कुणाल बाबू यहाँ मौजूद है, इनसे बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है। एक राजा बाजार मोड़ में एक प्रोग्राम हुआ था और घोड़ा स्टैंड के पास, जिसमें कुछ कल्चरल प्रोग्राम भी था, उसमें और भी बहुत सारे नेता थे, उससे पहली बार हम मुलाकात इनसे हुई थी। और इत्तेफाक है कि बहुत दिनों के बाद आज फिर इनसे मुलाकात हो रही है। मैं समझ रहा हूँ कि आज की इस मीटिंग बहुत कामयाब मीटिंग है जहाँ पर हमारे कुणाल दा मौजूद हों। बहरहाल आइए साहब, बस एक बात मैं फिर दोबारा दोहराना चाहूंगा कि क्या करूंगा, देख के तेवर है क्या जुल्मात के। अरे मैं दिया हूँ, ये लोग इनके बारे में कह रहा हूँ, मैं दिया हूँ, रोशनी फैलाना मेरा काम है। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, अयान चक्रवर्ती जिंदाबाद, सचिन सिंह जिंदाबाद और सबसे ऊपर कुणाल घोष जिंदाबाद। जय बंगला, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद। खुदा हाफिज। थैंक यू डॉक्टर जुमेर साहब।
भाई जिनको कुणाल दा को दो मारा प्रणाम साहब, जल्दी से कीजिए भाई। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि स्टेज को थोड़ा खाली करें, साइनिंग बहुत आ रही है, थोड़ा सा खाली करें आप लोग, थोड़ा सा स्टेज से उतरे, स्टेज से थोड़ा खाली कर दे। मैं फिर वही कहूंगा, सचिन सिंह आयान चक्रवर्ती, नया खून नया जोश, अब कुछ फरमाएंगे हमारे कुणाल घोष। थैंक यू। এখানে যারা আছেন বয়সে বড় তাদের প্রণাম জানাচ্ছি, বাকিদের শুভেচ্ছা। সায়ের দিয়ে শেষ করেছেন, যিনি এর আগে বলেছেন সায়ের দিয়ে শেষ করেছেন, তা আমিও বলি। মহাব্বত কোথায় হতা হয়, রোশনি চাঁদ সে হতা হয়, সিতারো সে নেই, মোহাম্মত তৃণমূল সে হতা হয়, দূসরে কিছু নেই। ঠিক আছে, দেখুন সামনে ভোট, আমি ভালো হিন্দি বলতে পারি না, আমার হিন্দি খারাপ, কিন্তু সবাই যাতে বুঝতে পারে আমি মাঝে মাঝে হিন্দিটা বলার চেষ্টা করব, দোষ দেবেন না। এই দুটোই হচ্ছে আমার ওয়ার্ড, কেন ওয়ার্ড, এটাই আমার জন্ম, আঠাশ এটাই আমার জন্ম, আমার বেড়ে ওঠা, আমার ক্লাব, আমার খেলা সমস্ত হচ্ছে আঠাশ, আর আমার স্কুল বড় হয়ে ওঠা টাকি স্কুল ৩৬, আর টাকি স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির প্রেসিডেন্ট অয়ন চক্রবর্তী বসে আছে। পাশাপাশি দুটো ওয়ার্ড, দুটো ইয়াংস্টার সচিন আর অয়ন, যেটাতে হবে হবে তো, খেলা হবে তো, দুটো বিষয় সংক্ষেপে বলবো, অনেকগুলো মিটিং আছে। এখানে সুদীপ রাহা রয়েছে, একদম লড়াকু ছোট ভাই, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ভাইস প্রেসিডেন্ট, সারা বাংলা চষে ফেলছে। এখানে রাজেশ খান্না রয়েছেন, প্রাক্তন কাউন্সিলর, অনেক পুরনো মানুষ এখানে রয়েছেন, আর দুজন স্পেশাল মানুষ এখানে রয়েছেন। ২০১০ ইসকে পেহলে ১৯৮৫ ১৯৯০ ১৯৯৫ ২০০০ এন্ড ২০০৫ ৫ টাইমস ৫ বার ইস ওয়ার্ড ২৮ সিপিএম কা কবজা মে থা। মানে মমতা দিদি সে মঙ্গা, ফারজানা দিদি কো দিজিয়ে ২৮ মে জিতা কর দিখা দুঙ্গা হম লোগ, ফারজানা বাজি কো ভেজিয়ে ইয়াহ পর। এসে হি মিটিং থা তসবীর মহল কে সামনে, ও ইতিহাস আব দোহরাতে হ্যায়, কিউকে আজ ফারজানা দিদি হামারে বিচ নেই হ্যায়, লেকিন উসকে বেটা সাজিল আজ আয়া হ্যায় ইয়াহ, উসকে ভাই সাহব পাটনা কে অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল, প্রমিনেন্ট লরিয়ার খুরশিদ ভাই সাহব, খুরশিদ আলম, ও ভি ইয়াহ পর আ গয়ে। ২০১০ সাজিল তাব ইতনা ছোটা থা, ছোটা থা, মা কে সাথ আতা থা, পাপা কে সাথ আতা থা, আর ভাই সাহব উনোনে তো পুরা ইলেকশন মে ছা গই থি, আচ্ছা স্পিকার হ্যায় সামনে বলা থা, ফারজানা দিদি কা ঘর সায়নী ঘোষ এসছে, সবাই মিলে জোরে হাততালি, তৃণমূলের যুব প্রেসিডেন্ট। জোরে হোক, দেখিয়ে উস টাইম মে কে হুয়া থা, বহুত সারে লোক বোলা থা, বহুত সারে লোক বোলা থা,
कि फारजाना बाजी पिकनिक गार्डन का रहने वाली है, यहां पर कैसे काम करेंगे। लेकिन फारजाना दीदी ने यह साबित कर दिया था, अगर दिल चाहता है तो काम कर सकते हैं। एक भी कॉम्प्लेन नहीं है फरजाना बाजी के खिलाफ, है कोई कॉम्प्लेन है फरजाना बाजी के खिलाफ? कॉम्प्लेन नहीं है। 2015 अनफॉर्चुनेटली मैं नियत नहीं थी यहां पर, फरजाना बाजी उनको शिफ्ट करना पड़ा, आज वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन पिछले पूरा टाइम हम लोग जब जो भी प्रोग्राम किया, चाहे वो कैनल वेस्ट रोड पे हो, चाहे वो घर पर में हो, चाहे वो जोगीपाड़ा में हो, तस्वीर फरजाना दीदी की तस्वीर वहां पर थे, वहां पर है और वहां पर रहेगा। देखिए दो सिग्निफिकेंस है इस टाइम का वोट का, एक आपका मोहल्ला की डेवलपमेंट और दो बड़ी सिग्निफिकेंस है सारा भारत वर्ष तकिया पश्चिम बंगे दिखे विकल्प शक्ति तैयारी होच्छे, बीजेपी के हाराते होवे, तृणमूल दिखे तकिए रही मानुष। 2021 साल हमारा यहां जब असेंबली इलेक्शन हुआ था, मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, अमुक जी 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 डेली पैसेंजरी किया था यहां पर, डेली पैसेंजरी। लेकिन बांग्लार मानुष मुखे झमा घोषे बाड़ी पाठिए दिए छे। एखन दुटो एक आरो डेवलपमेंट चाहिए, राजा बाजार यही इलाका पानी के पीने का पानी का जो प्रॉब्लम था अपना मने आछे कि ना जानी ना, मानिकतला मेन रोड थे के गोटा दीनेंद्र स्ट्रीटे बड़ पाइप बसिए तक क्या हो फरजाना दीदी छिलेन। अपना एखने नारकेलडांगा थानार पासे हाईमास्ट आलो आमार एमपी नेट थे के राजा बाजार मोड़े हाईमास्ट फरजाना दीदी करा একের পর এক আলো আমার এমপি লাইট থেকে। আমরা সবাই কাজ করার চেষ্টা করেছি, আমাদের 28 এর নতুন ক্যান্ডিডেট অয়ন, 36 এর নতুন ক্যান্ডিডেট সচিন, এই দুজনকে জেতাতে হবে তো, নতুন ব্লাড নিউ জেনারেশন। আরে আমাদের ইউথ প্রেসিডেন্ট সায়নী এসে গেলে যখন ছোট করে আপনাদের গল্পটা বলে দিই, কদিন আগে অভিষেক ব্যানার্জি আমারা অল ইন্ডিয়া জেল সেক্রেটারি আম লোক কো ত্রিপুরা মে ভেজা থা তো সায়নী ওয়া পর থি তো এসা হুয়া এক দিন সুবহ হোটেল মে পুলিশ ঘুস গয়া কিউ সায়নী কো পকড়নে কে লিয়ে তব মে উপর সে নিচে থা ক্যা হুয়া নেই লে জানা হ্যায় নোটিস কিধার হ্যায় নেই হ্যায় এফআইআর কিধার হ্যায় নেই হ্যায় एलिगेशन क्या है मालूम नहीं है, इंस्ट्रक्शन क्या है ले जाने का है सोचिए, नोटिस नहीं है, एफआईआर नहीं है, ले जाना है नहीं भेजेंगे आपके साथ, अब लौट जाइए खालैया। हम लोग का जब टाइम होगा हम खुद सायनी को लेकर थाने में जाएंगे। उस दिन दो बार थाने में अटैक हुआ, आर्म बीजेपी वर्कर्स ने अटैक किया, एक दिन दोपहर में और उसी दिन रात में। रात में क्या हुआ मालूम है? वो एक वीमेन पुलिस स्टेशन थी, महिला थाना था, बाहर से घुस गए अंदर आम सायनी वहां पर कस्टडी में थी, मैं थी, जया था, सायनी और एक लड़का था मृत्यु। तो थाने के एक घर में पुलिस ने हम लोगों को छुपा दिया, तो उस घर का जो विंडो है जानला है वो तोड़ के वो घुसना चाहता था। फिर क्या हुआ? फिर पुलिस ने हम लोगों को ऊपर एक लेडी कांस्टेबल का क्वार्टर में भेज दिया, पूरा बत्ती ऑफ कर दिया, क्योंकि उनको पता चला जाएगा ऊपर में कोई है, और नीच में थाने के अंदर तोड़फोड़ चल रहा है। हम लोग बार बार कोशिश कर रहे हैं पुलिस को, अरे फोर्स भेजिए तो मार देगा हमको, अगर वो ऊपर में चला गया तो हमका डेड बॉडी निकला वहां से,
तो फिर उतने रात में बड़ा रिस्क लेके सायानी को दूसरा थाना भेजना पड़ा। ऐसे ऐसे फाइट त्रिपुरा में दो महीना में 24% वोट, दो महीना में 24% वोट। अभी तो उनका असेंबली इलेक्शन बाकी है, अगर दो महीने में 24%, आने वाला 12 महीना में उनको उखाड़ के फेंकने के लिए जो भी वोट चाहे हम वहां पर हासिल कर लेंगे। लेकिन उसके लिए दादा एक शोर देखते बच्चे उसे करूं किंतु और जन्म আমরা চাই আপনারা আমাদের হাতটা একটু শক্তিশালী করুন। নতুন বছর 2022 5th January আমরা ওখানে রাজভবন চলো ডেকেছি, গভর্নর হাউস ত্রিপুরায় আমরা যাব। তার জন্য কলকাতা পুরো ভোটে সারা ভারতবর্ষ তাকিয়ে আছে, বিজেপি কে গোহারা হারিয়ে আপনারা আমাদের হাতটা শক্তিশালী করুন, মাথা উঁচু করে আমরা লড়ব। আর একটা কথা বলি, সংক্ষেপে বলি, কংগ্রেস আর সিপিএম ক্যান্ডিডেট দিয়েছে, 28-এর কংগ্রেস ক্যান্ডিডেট কে সায়না, সিপিএম কে ইজাজ এখানেও দিয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো বক্তব্য নেই, একজন তার দল করে দাঁড়িয়েছে দাঁড়াতেই পারে, কিন্তু ওদের দলকে ভোট দিলে আপনার ভোটটা নষ্ট হবে। জিতবে কে? জিতবে এমন, জিতবে সচিন, আপনি কেন ভোট নষ্ট করবেন? বিজেপি কিয়া বলা থা, ডাবল ইঞ্জিন গভর্নমেন্ট, ডাবল ইঞ্জিন। हम लोग बोल रहे हैं 4 इंजिन डेवलपमेंट, मेयर तृणमूल, एमआईसी तृणमूल, बोरो चेयरमैन तृणमूल, 36 सचिन, 28 ओम, 4 इंजिन डेवलपमेंट यहां पर होगा। सकाले मिचिल করেছে অধীর দা শুনলাম, এখান দিয়ে গেছে অধীরদাকে আমি চিনি, খুব পুরনো লোক। সমস্যা হচ্ছে এই যে আমরা এখানে যে মিটিং করছি সেটায় ওপাশে কিছু 28-এর লোক আছেন আর এপাশে কিছু 36-এর লোক আছেন, সবাই এই মহল্লার। কিন্তু সকালে যে মিছিল হলো, কোথায় 29, কোথায় 53, কোথায় 60, লোক ভাড়া করে এনে আর বাচ্চাদের হাঁটিয়ে মিছিল হতে পারে না। অধীরদা ভোট চাইতে এসছেন, কংগ্রেসের এমএলএ সিট কোথায় নামিয়েছেন? শূন্য। ভোট কত? 1%। মুর্শিদাবাদ আপনার জেলা, মানুষ তৃণমূলকে ভোট দিচ্ছে, আপনি এখানকার লোককে কেন ভুল বোঝাতে আসছেন? ক্যান্ডিডেটদের বিরুদ্ধে আমার কোন বক্তব্য নেই, তারা তাদের লড়াই লড়ছে। আমি চ্যালেঞ্জ করছি কংগ্রেসকে, বাইরের লোক ছাড়া ভোটার আইডেন্টিটি কার্ড দেখিয়ে যদি লোকাল মিছিল করতে পারে, 5টা লোকের আমার নামে কুকুর পুষবেন। ভাড়া করা লোক আর অন্য জায়গার এনজিও লোকদের এনে মিছিল, ওসব আমরা ছোটবেলায় দেখে এসেছি। যখন 5 বছর পর, 5টা টার্মের পর 2010 আমরা সিপিএম কে হারাচ্ছিলাম, কোথায় ছিলে? কোথায় ছিলে তোমরা? সিপিআইএম দুধকুটিতে মিটিং করেছে, মোহাম্মদ সেলিম এসেছিলেন, আমি শুনলাম মিটিকে আমাকে খুব গালপত্র পেড়ে গেছে। আমি তার জবাব দিতে চাই না, আমি পজিটিভ কাজ করতে চাই। আমি জবাব কি দেব? কেন সময় নষ্ট করব? ভোটে যখন সিপিএম এর জামানত জব্দ করবেন মানুষ, ওটাই হচ্ছে আসল লড়াই, আসল জবাব। আমি ওদের জন্য
আমি অন্য সময় এসে ভোটের পর এসে সিপিএম যা যা বলেছে আমি সবকটার জবাব দিয়ে দিতে রাজি আছি, কিন্তু এখানে আমি বলে সিপিএম কে নম্বর দিতে রাজি নই। আপনারা মন তৈরি করে নিন, অয়ন চক্রবর্তী ফারজানা আলমের অসম্পূর্ণ কাজ 28 করবেন, আর রাজেশ খান্না এতদিন ছিলেন একজন সিনিয়র লিডার, রাজেশ খান্নার আশীর্বাদ নিয়ে সচিন সিং 36 কে আবার নতুন করে তৈরি করবেন। ভোট নষ্ট করবেন না, ভোট ওয়েস্ট মত কিজিয়ে। সারা দেশ দেখ রা হ্যায় কলকাতা মে ক্যা হো রা হ্যায়। আমরা পরিষ্কার বলেছি, তৃণমূল কংগ্রেসের হাতটা শক্তিশালী করুন, বিজেপি কে যদি রুখতে হয় তৃণমূল কংগ্রেসের হাতটা শক্তিশালী করুন। সিপিএম আর কংগ্রেস ওরা হচ্ছে বিজেপির বিটিম বিটিম বিটিম। কোথায় ছিলে ভাই অ্যাসেম্বলি ইলেকশনের সময় যখন মোদী বারবার বলেছে তৃণমূল হটাও, কংগ্রেসও বলেছে তৃণমূল হটাও, সিপিএমও বলেছে তৃণমূল হটাও। 7 মাস আগে অ্যাসেম্বলি ভোটে কংগ্রেস আর সিপিএম হাত মিলিয়ে জোট করে লড়লে তোমরা, 7 মাস পর এখন আলাদা। একটা বন্ধুকে 7 মাস রাখতে পারে না, তারা বলছে ওয়ার্ডে ডেভেলপমেন্ট করবো, এদের উপর ডিপেন্ড করবেন, করা যায়। দুটো ফ্রেশ ছেলে, একটা অরুণ একটা সচিন, কাজ করার ইচ্ছে আছে, কাজ করার খিদে আছে। সকাল থেকে পাবেন 28 এখানে হেলথ সেন্টারে পার্টি অফিস, আর একটা বীরেন্দ্র স্ট্রিটে, দুটো অফিসে অরুণকে পুরো দস্তুর পাবেন, সচিনকে যখন ডাকবেন তখন পাবেন। আর একটা কথা আমরা পরিষ্কার বলে দিচ্ছি, 28 ক্ষেত্রে আমি বলে দিচ্ছি, 36 ওরা বলে দেবে, 100 দিনের কাজ স্বচ্ছভাবে হবে। যারা 28 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা, যারা 100 দিনের কাজ করার যোগ্য, যারা তালিকায় আছে, একজনও বাদ যাবে না। কিন্তু যদি অন্য ওয়ার্ড থেকে বাইরের ওয়ার্ড থেকে ঢোকানো থাকে তার দায়িত্ব আমাদের হতে পারে না। নতুন করে 28 নম্বর ওয়ার্ডের ছেলে মেয়েরা 28 নম্বর ওয়ার্ডের 100 দিনের কাজ পাবে, 36 নম্বর ওয়ার্ডে যাদের যাদের পাওয়ার কথা ঠিকভাবে সচিন সেই লিস্ট এখানে রাখবে। ডেভেলপমেন্ট হবে, মমতাদি চাইছে, অভিষেক চাইছে, যিনি নতুন মেয়র হবেন আপনাদের সকলের পরিচিত, আমি আর এখন নাম বলে কি করি, তারা সবাই কাজ করবেন, আপনাদের সাপোর্ট চাই। যদি কেউ কংগ্রেসকে ভালোবেসে থাকেন, যদি কেউ সিপিএম কে ভালোবেসে থাকেন, আপনার মনের মধ্যে ভালোবাসাটা রাখুন, কিন্তু আজকের এই সময়ে ভোটটা কিন্তু জোড়া ফুল চিহ্নে দিন, জোড়া ফুল চিহ্নে দিন, জোড়া ফুল চিহ্নে দিন। কারণ আপনি যে পার্টিকে দেবেন সেটা জিতবে না, কাজ করতে পারবে না, এটা হবে না। ফলে যে কাজ করবে আপনার মহল্লার স্বার্থে, আপনার কাজের স্বার্থে, সব সময় পাবেন এই দুই তরুণ তুর্কুকে। আপনারা বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করুন, খুব খুব ভালো থাকবেন, অনেক ভালো থাকবেন, সকাল সকাল ভোট দেবেন, নিজের ভোট নিজে দেবেন, আর তৃণমূল কংগ্রেস সারা দেশে মাথা তুলে যেন লড়াই করতে পারে সেই রকম জায়গায় পৌঁছে দিতে গেলে আপনাদের ভোট আপনাদের শক্তি আমাদের দরকার। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস এগিয়ে চলুন। ভালো থাকবেন, ভালো থাকবেন, ভালো থাকবেন। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। থ্যাংক ইউ কুনালদা, 1 মিনিট কুনালদা। अभी हम लोग मगरे बंगाल तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जाबाज नेता और तृणमूल कांग्रेस के स्पोक्समैन श्री कुणाल घोष की बातों को सुना। अभी हमारे बीच उपस्थित हुई है तृणमूल कांग्रेस मगरे बंगाल की सदर यूथ आइकॉन साइनी घोष। मैं सचिन सिंह से कहूंगा कि उनको फूलों का बोके देकर उनका इस्तकबाल करें। सचिन सिंह साइनी घोष को फूलों का बुके देकर इस्तकबाल करेंगे, अब उसके बाद उनको उत्तरीय पहनाएंगे रोजी बेगम, और एक फूल का गुलदस्ता रोजी बेगम उत्तरीय पहनाए, फूल का गुलदस्ता ओम प्रकाश मल्लिक,
दी देंगे। हेलो कुणाल एक कथा बोली असेंबलि इलेक्शन मोदी बाबू और अमित शाह बाबू बोले इस बार 200 के पार तृणमूल हुआ 213 200 के पार बीजेपी हो गया 3 पार। अब ये तीनों आइकॉन सैनी घोष सचिन सिंह आयन चक्रवर्ती नया खून नया जोश माइक पे बुला रहे हैं मैं सैनी घोष आप आए और अपनी बातों को रखे अरे आपने कोशिश जान बच्चा भालो था झगड़ू आजो झगड़ू जान 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 सब मीडिया वाली झगड़ू आजो ভাই নাওয়ার জায়গা দে ভাই সবাই ঢুকে যাস না বেরোবে কি করে বেরোতে জায়গা দে একটু ভাই এই বেরোতে জায়গা দে আরে यार আচ্ছা আচ্ছা পেয়াচ্ছি अभी है यहाँ पे थैंक यू काफी अच्छा माहौल बनाए यहाँ पे और मैं आज पहली बार आई हूँ आप सबसे मिलने का मौका मिला मुझे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको और बहुत रंगीन मिजाज है वोट का मिजाज है लेकिन इतना तो हम लोगों को पता है कि देखिए जो रिजल्ट हम लोगों ने देखा असेंबली इलेक्शन में उसके बाद ये पता चलता ही है कि आप लोग हमारे साथ हैं तो वहां पे जाके वी आर वेरी रिलीव और हमको बहुत लोग ऐसे बोलते रहते हैं कि आप लोग वैसे ही तृणमूल कांग्रेस जीतने वाला है तो इतना प्रचार करने की क्या जरूरत है आप लोग सब लीडर्स लोग जा रहे हैं सब बड़े बड़े लीडर्स जा रहे हैं हर जगह से संगठन से लोग जा रहे हैं इतनी क्या जरूरत है मैम आप लोग वैसे भी जीतने वाले लेकिन हम लोग क्यों ये करते हैं तो एक ही उसका कारण है क्योंकि हम वोट को सिर्फ वोट के हिसाब से नहीं देखते और हम इंसान को वोटर के रूप में नहीं देखते ये हमारे लिए भी एक मौका है कि हम आपके पास आ सके जितना काम हुआ है उसके बारे में जान सके जितना काम नहीं हुआ है वो कैसे हो उस बारे में हम लोग आपसे सलाह ले सके और ये समझ लेना कि हम लोग एक वोट जीत गए का मतलब सारे जीत जाएंगे वो ओवर कॉन्फिडेंस तृणमूल कांग्रेस में कभी नहीं था इसलिए जाके तृणमूल कांग्रेस आज इतना बड़ा हुआ है। हम लोग हमेशा से हम लोगों ने ये बोला कि ममता दीदी को अभी बंगाल को एक मॉडल बनाना है ये आप लोगों को एक समझने की बात है कि अगर हम लोग बोल रहे हैं कि दिल्ली जा रहे हवाई चोटी मतलब दीदी प्रधानमंत्री बनेंगी और वो बनेंगी जरूर बनेंगी आप लोग सब हैं हम लोग सब हैं कोई बनेंगे और हम लोग त्रिपुरा भी जीतेंगे हम लोग जीत गए त्रिपुरा भी बारह महीना का थोड़ा सा गैप है उसके बाद हम लोग त्रिपुरा में भी आप सबके शुभकामनाओं से हमारी सरकार होगी लेकिन बात यही है कि अगर ममता दीदी को पीएम जब वो बनेंगी उनको उसके लिए बंगाल को एक मॉडल स्टेट बनाना है और कलकत्ता हमारा कैपिटल है सब कलकत्ता अगर हमारा कैपिटल है तो कलकत्ता के लिए जी जान लगा के काम करना पड़ेगा कलकत्ता कोलकाता नीड्स टू बी एन एग्जाम्पल टू द एंटायर वर्ल्ड सो आप लोग अगर हमारा साथ नहीं देंगे तो वो कभी मुमकिन नहीं होगा देखुन একটা কথা আমি বললাম যেটা কুণালদা বারবার বলছে যে আজকে আপনার কংগ্রেসের জন্য বা সিপিএম এর জন্য বিজেপির জন্য একদম না কিন্তু হ্যাঁ কিন্তু কংগ্রেসের জন্য আর সিপিএম এর জন্য আপনাদের ভাবাবেগ থাকতে পারে আপনাদের ভালোবাসা থাকতে পারে যে কোনো দলকে আমরা একটি গণতন্ত্রে সমর্থন করতে পারি কিন্তু এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমাদেরকে এটা বিবেচনা করতে হবে যে কোন দলের পাশে থাকলে আমরা একটি বৃহত্তর লড়াইয়ে জিততে পারবো এবং আমাদের লড়াইটা তৃণমূল কংগ্রেসের লড়াইটা বিজেপির বিরুদ্ধে এবং আমরা দাঁতে দাঁত চেপে যখন সবাই বলেছিল যে দাদা এক্ষুনি বললেন যে আপনি বার 200 পার যাব মোদিজি বল রে তোর এসে আপ তো याद होगा सबको बोल दे कि दीदी ओ दीदी याद है ना सबको तो वैसे वो तो बहुत कुछ ट्राई किया उन्होंने बहुत सारे पैसे उड़ाए अभी हाल ही में जाके रिपोर्ट आया कि 100 करोड़ से ऊपर उन्होंने पैसे लगा दिए इलेक्शन में वो पैसे से अगर इंसान के लिए वो काम करते शायद ऐसे ही वोट मिल जाता ये सब नहीं करना पड़ता एक बहुत छोटी सी बात है अगर आप सच में काम करते हैं तो आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती अभी सचिन इज अ न्यू कैंडिडेट
सचिन इज अ फ्रेश कैंडिडेट। इस बार सचिन के लिए आई हूँ, पर मुझे ये विश्वास है कि इस 5 साल में सचिन ऐसा काम करेगा कि उसको 5 साल बाद वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग खुद आके उसको वोट देंगे। ये यूथ का एक पावर होता है। आज मेरी इतनी कम उम्र है, उसके बावजूद दीदी ने, अभिषेक बैनर्जी ने मुझको इतना बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया। मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो कभी था नहीं, ना कभी स्कूल में किया है, कॉलेज में किया है, ना कभी पिताजी माताजी ने किया है। एकदम आप सबके जैसे एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हूँ। थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लिया, थोड़ी बहुत एक्टिंग कर ली, आप लोग ने चाहा तो बस यहाँ पे खड़े हैं। लेकिन इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मुझको वो दे पाते हैं, आप लोगों को आज ही कैंडिडेट सिलेक्शन में भी पता चल जाएगा कि यूथ को तृणमूल कांग्रेस बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है। क्योंकि हमें ऐसे लोग चाहिए जो दौड़ेंगे, जो भागेंगे और जो 24 घंटे आपके लिए आपकी सेवा में नियोजित रहेंगे। ये बहुत सीधी सी बात है। वी वॉन्ट पीपल हु आर गोइंग टू बी देयर विद यू। আপনাদের সঙ্গে যারা থাকবে, আপনাদের পাশে যারা থাকবে, যাদেরকে সারাক্ষণ পাওয়া যায়। ये चीज एक चीज है जो बीजेपी के रग में नहीं है। बीजेपी वोट मांगने आती है, जब वोट होता है आप उनको देखेंगे, वो घर घर जाएंगे, हर घर दस्तक उन लोगों का कैंपेन है, वो करेंगे वो। लेकिन जब वोट खत्म हो जाएगा, थैंक यू कुणाल दा, थैंक यू, लेकिन जब वोट खत्म हो जाएगा उसके बाद आप बीजेपी को नहीं देख पाएंगे कभी। इसीलिए शायद ऐसे आज जो आप लोग पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं सारे, आप लोग देखेंगे कि हर जगह पे, देश के हर राज्य में बीजेपी का हाल बेहाल है। क्योंकि सिर्फ ये बंगाल के लोग नहीं बोल रहे हैं, ये पूरे देश के लोग बोल रहे हैं कि मोदी मैजिक बोल के और कुछ बचा ही नहीं है। और अगर कुछ है वो है ममता का क्षमता। ठीक है, अगर दीदी आगे जाके प्रधानमंत्री बनेंगी, जो इतिहास रचा जाएगा उसमें सिर्फ दीदी का नाम या तृणमूल कांग्रेस का नाम नहीं होगा, उसमें आप सबका नाम होगा, क्योंकि आप वोट देके उनको जिताएंगे। और यही बात है कि हर बूथ में हमको जीतना है, हर बूथ से, हर वार्ड से हमें तृणमूल कांग्रेस को आगे बढ़ाना है, ताकि जाके आगे की लड़ाई हम जारी रख सके। मैं सचिन से इतना बोलना चाहूंगी कि सचिन दिस इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर यू। और मैंने यही बोला है सबको कि यंग है, देख के लग तो रहा है काम कर ही लेगा, आपको क्या लग रहा है काम करेगा। सो तुम बस यही करोगे, खुद ही को इतना बुलंद रखो कि खुदा भी तुमसे पूछे कि बोल सचिन तेरी रजा क्या है। ठीक है, तो यही हो। और आप सब, दीदी ने क्या काम किया है, दीदी आगे क्या करेगी, वो आप लोग सब देखेंगे। और वो 4 इंजन वाला सरकार जो कुणाल दा ने बोला है, आप लोग सब शिक्षित इंसान है, आप लोगों के पास पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम है, एक एक्यूमन, आप सबको पता है कि अभी बीजेपी को वोट देना और नोटा में वोट देना इज द सेम थिंग, एक ही बात है। तो अपना वोट बर्बाद ना करें, आगे जाके कैसे हम लोग एक साथ काम कर सकते हैं और कैसे सब कुछ बेहतर बना सकते हैं, अपने इलाका को कैसे बेहतर बना सकते हैं, उसके लिए हम आपके लिए हमेशा है। हम चाहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस आगे जाके एक बड़ी लड़ाई में अपना नाम जो उसने लिखाया है वो जीत के सिर्फ आए। और हर जीत, हर वार्ड की जीत, हर असेंबली की जीत, हर लोकसभा की जीत हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आऊँ तो सचिन इस वार्ड का कोऑर्डिनेटर हो और मैं उसके प्रोग्राम में आऊँ। और आज यहाँ पे जितने सारे लोग खड़े हैं, आप लोगों को देख के मुझे ये लगा है कि आप लोग हमारे साथ ही है। इसलिए ज्यादा अपना ढिंडोरा तृणमूल कांग्रेस ने कभी नहीं पीटा है। आप रस्ते पे निकलेंगे तो देखेंगे कि 10 साल पहले क्या था, अभी क्या है, और 10 साल बाद जो होने वाला है आज ऑलरेडी निकल गया है कि कैसे कैसे दीदी सोच रही है कि वो सजाएगी कलकत्ता को, आपके इलाके को, और ताकि आपको सब मिल पाए, ताकि आप खुशहाली से अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ प्यार से रह सके। उसकी जिम्मेदारी जैसे दीदी की है, जैसे तृणमूल कांग्रेस की है, जैसे हमारे यूथ ऑर्गेनाइजेशन की है, वैसे आप सबकी जिम्मेदारी सचिन के ऊपर छोड़ते हुए मैं आप सबसे बहुत 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 धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा मुझे, और श्रुदीप इज ऑल्सो देयर, मेरे साथ था वहां पे त्रिपुरा में। हम लोग जाके, उन लोग थोड़ा बवाल मचा रहे थे वहां पे, पर हम लोग भी खेल के आए, काफी भालो खेला हुए थे त्रिपुरा से। पहले ये वोट खेला हो गए, खेला हो गए, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला, विजय भव।